गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम यहां पर बात करने वाले हैं माय लव मिक्सअप के एपिसोड 5 के स्पॉइलर के बारे में। तो पिछला एपिसोड के हिसाब से जैसे कि अपने फ्रेंड के दबाव में आकर एटम ने कॉन्थप से ये कह दिया था कि कॉन्थप को इरेजर को लेकर गलतफहमी हुआ था, वो इरेजर उसका नहीं था। इसका मतलब है तो कॉन्थप को पसंद नहीं करता, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि भले ही एटम पहले कॉन्थप को पसंद नहीं करता था पर अब वह कॉन्थप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तो एटम की यह बात सुनकर कॉन्थप भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि शायद वो भी अब एटम को पसंद करने लगा है। पर जबकि एटम अपने दिल की बात कॉन्थप को बता नहीं पाया था, इसलिए उसको दिल ही दिल में तकलीफ होता रहता है। तो जब हाफ को पता चलता है कि एटम सच में ही कॉन्थप को पसंद करता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, ये सोचकर कि उसकी वजह से एटम ने कॉन्थप को ये कह दिया कि वो उसे पसंद नहीं करता। इसलिए हाफ एटम को कॉन्थप का दिल जीतने में मदद करना चाहता था। इधर एटम को कॉन्थप के बास्केटबॉल टीम का मैनेजर बना दिया जाता है। तो वह जब कॉन्थप के टीम के साथ दूसरे स्कूल में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात कॉन्थप के स्कूल फ्रेंड क्लेयर से होता है, और उन दोनों को एक दूसरे से ओपनली बातें करते हुए देखकर एटम को फिर से वह गलतफहमी हो जाता है कि क्लेयर और कॉन्थप एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लेयर तो कॉन्थप के दोस्त खाओवन को पसंद करती है। तो इस पूरे इंसिडेंट से एटम फिर से थोड़ा सा शाय फील करता है, क्योंकि उसके बिहेवियर से कॉन्थप भी क्लियरली समझ चुका था कि उसको क्लेयर के साथ देखकर एटम को जेलसी फील हो रहा था, इसीलिए उसने इतनी उल्टी सीधी हरकतें किया है। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जैसे कि कॉन्थप को एटम के लिए अपने दिल में हो रहे फीलिंग्स का एहसास होने लगा है, इसलिए उसको एटम के साथ रहना और उससे बातें करना अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एटम और कॉन्थप के स्कूल से उन्हें जंगल में एक कैंप के लिए लेकर गए हैं, जहाँ पर एटम और कॉन्थप के साथ शर्म आत्मी और हाफ भी आए हुए थे। तो जैसे कि सभी यहाँ पर एक साथ थे, इसलिए एटम मातमी से कहता है यह कैंप हमारे पास एक मौका है हम जिससे प्यार करते हैं उनके लिए अपने प्यार कन्फेस करने का, पर एटम के लिए यहाँ पर कैंप का हार्ड ट्रेनिंग टॉलरेट करना इम्पॉसिबल हो रहा था। तो एटम को हालत ख़राब होते देखकर कॉन्थप उसको संभाल लेता है, क्योंकि वो एटम को बुरी हालत में देख नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर एटम और कॉन्थप से कहता है कि अगर वो सारी टफ ट्रेनिंग को अच्छे से क्लियर कर लेगा तो कॉन्थप को कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताएगा। अब एटम की बात सुनकर कॉन्थप को क्यूरियोसिटी होने लगता है कि आखिर एटम उसे क्या बताना चाहता है, इसलिए वो भी अपना सारा ध्यान लगाकर ट्रेनिंग करता है। फिर हम देखते हैं रात को कॉन्थप और एटम मिलकर पूजा करते हैं, जिसको ख़त्म होने के बाद कॉन्थप एटम से कहता है तुमने कहा था कि हमारा ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट होने के बाद तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। तो एटम हिम्मत जुटाकर कॉन्थप को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, पर वह सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं ये तो हमें सीरीज में पता चल ही जाएगा। पर यहाँ पर हम एटम और कॉन्थप का क्यूट मोमेंट भी देखने वाले हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर मातमी को भी हाफ से अपने फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, पर मातमी भी हाफ से अपना फीलिंग्स कंसेप कर पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पर हम एटम और कॉन्थप और मातमी और हाफ का बहुत सारे कपल मोमेंट देखने वाले हैं, जैसे कि वह सभी कैंप पर गए हुए हैं। ओके गाइस, आज के स्पॉइलर में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए बीएल स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।